आईसीसी वुमेन टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 10 फरवरी से साउथ अफ्रीका में हो रहा है। ये अब तक का वुमेन टी20 वर्ल्ड कप का 8वां एडिशन होगा और इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 10 टीमों के दरमियान 10 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक 23 मैचेस खेले जाएंगे। वुमेन टी20 वर्ल्ड कप 2023 के लिए 10 टीमों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप वन में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम्स, जबकि ग्रुप टू में शामिल हैं इंग्लैंड, इंडिया, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आयरलैंड की टीम्स। आइए अब नजर डालते हैं टूर्नामेंट के मुकम्मल शेड्यूल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच खेला जाएगा फ्राइडे 13 फरवरी को। ये मैच साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमों के दरमियान केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद सैटरडे 11 फरवरी को दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। ये मैच पाल के वेन्यू पर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा न्यूजीलैंड से। ये मैच भी पाल के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद संडे 12 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में होगा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मुकाबला। ये मैच इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में मुकाबला होगा बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमों के दरमियान। ये मैच भी केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद मंडे 13 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में आयरलैंड का मुकाबला होगा इंग्लैंड से। ये मैच पाल के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दोपहर 3 और इंडियन टाइम के मुताबिक दोपहर 3:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका का न्यूजीलैंड से। ये मैच भी पाल के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 7:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद ट्यूसडे 14 फरवरी को सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के दरमियान अबेखा के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद वेडनेसडे 15 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होगा इंडिया से। ये मैच केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान का मुकाबला होगा आयरलैंड से। ये मैच भी केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद थर्सडे 16 फरवरी को सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। ये मैच ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान अबेखा के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद फ्राइडे 17 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा बांग्लादेश के साथ। ये मैच केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होगा आयरलैंड के साथ। ये मैच केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद सैटरडे 18 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला होगा इंडिया के साथ। ये मैच अबेखा के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये मैच भी अबेखा के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद संडे 19 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। ये मैच पाल के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा श्रीलंका के साथ। ये मैच भी पाल के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद मंडे 20 फरवरी को भी सिर्फ एक ही मैच खेला जाएगा। ये मैच इंडिया और आयरलैंड की टीमों के दरमियान अबेखा के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद ट्यूसडे 21 फरवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में इंग्लैंड का मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। ये मैच केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा, जबकि दूसरे मैच में मुकाबला होगा साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश के साथ। ये मैच भी केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 10 और इंडियन टाइम के मुताबिक रात 10:30 पर खेला जाएगा।
इसके बाद थर्सडे 23 फरवरी को खेला जाएगा टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच। ये मैच अबेखा के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद फ्राइडे 24 फरवरी को खेला जाएगा टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मैच। ये मैच केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा। इसके बाद संडे 26 फरवरी को खेला जाएगा टूर्नामेंट का फाइनल मैच। ये मैच केप टाउन के वेन्यू पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 और इंडियन टाइम के मुताबिक शाम 6:30 पर खेला जाएगा।